संडे की मॉर्निंग हो चुकी है, थोड़ी लेट से हुई क्योंकि रात को नींद नहीं आया था, तो हम रात में बारिश होते रहा, बारिश के देखे उठे खाए सोए बस यही चलते रहा, इसलिए उठने में लेट हो गई। तो अभी बजे हैं 11, तो 11 बजे वैसे भी एक मिनट वैसे भी संडे संडे होता है। तो कल से वैसे ही रेगुलर डे होने वाला है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए संडे। तो बैठे हैं, 11 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाने को, ये भी सोचे हैं खाने का, तो ये भी लिए, लेकिन मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाना तो थोड़ा था लेकिन भर के आया है, तो उसको मैं निकालने जा रही हूँ क्योंकि इतना नहीं खा पाऊंगी। चलिए खाते हैं। तो आज आप लोगों के साथ ही हमारे ब्रेकफास्ट हो जा रहे हैं, मतलब मैं तो करती ही थी हम दोनों का बहुत दिनों के बाद। आप लोग भी सामने बैठ जाइए कॉर्नफ्लेक्स लेकर, अच्छा ये मतलब कल बैठ जाएगा सुबह को, है नहीं? कल मॉर्निंग में, क्योंकि ब्लॉग तो रात को अपलोड होगी ना। कॉर्नफ्लेक्स लाइक ही होता है ज़्यादा देर तक, ये भाई 2-3 दिन का 3 घंटा गैप अगर लंच और इसमें तो खा के आराम से बैठ सकते हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही है, लाइट इतनी है कि कुछ दिख नहीं रहा। आपको दिखाएंगे लेकिन बारिश बहुत है। बारिश दिखाओ, कल जो बारिश ब्लॉग में देखे थे ना वही उतनी स्पीड से हुई है। फीवर में तो सुधार है, कल लगता है ऑफिस कब तक है जाऊँगी और ठीक हो जाएगा। अभी 2 टाइम और मेडिसिन लूँगा उसके बाद और कुछ टाइम टू टाइम मेडिसिन खिला रही इसलिए ठीक है। टाइम से लेना चाहिए सब कुछ, जल्दी सही हो जाता है। जहाँ इग्नोर करती है ना तो टाइम इंक्रीज हो जाता है फिर सही होने का। लोग ने क्या ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया ये भी हमें बताइए कमेंट में, हम लोग हम भी चेंज करेंगे। हाँ हमारा ब्रेकफास्ट आप देखते हैं नॉर्मल सिंपल और बोरिंग, मतलब हर रोज सेम ही चीज हो तो बोरिंग नहीं हो जाता है? हाँ मेरे लिए तो हो जाता है। मैं तो ठीक है, जो अच्छा है वो खा लेता हूँ। खाना चाहिए धीरे धीरे ठंडा आएगा तो सब तो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं तो वो ठंडा होता है। कभी कभी ठीक है ले सकते हैं, नहीं हल्का गर्म पानी में भी पी सकते हैं अगर सर्दी जुकाम नहीं है तो। हाँ सर्दी जुकाम है तो फिर उसको अवॉइड करें। और फ्रूट्स तो खा सकते हैं, एप्पल तो आप रेगुलर खा सकते हैं, फिर वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ये सब आप खा। तो गाइस हम लोग जब भी बैठते हैं ना तो यही सब बात करते रहते हैं, हमारा यही सब बात चलता है। तो गाइस वेलकम बैक। तो आज हम दोनों हर चीज आप लोगों के साथ करने वाले हैं, तो चाय भी पी रहे हैं। एक ही दिन मिलता है सुबह चाय पीने, 2 दिन सैटरडे संडे मिलता है, 2 दिन के बाद पी लेता हूँ साथ में चाय।
तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, कल जब हम ब्लॉग देखे ना, तो उसमें हम ही गायब थे। हम थे ही नहीं, सिर्फ सामान ही दिख रहा था, और सामान को डिस्क्राइब कर रहे थे हम, मतलब मैं कर रही थी जो भी, या ये कर रहे थे, ये तो दिख ही जाते, मैं कर रही थी। तो इसीलिए आज हम सिर्फ यहीं पे बैठेंगे और यहीं से ब्लॉग बनेगा आज हमारा। बात है। अभी तो तबीयत खराब है ना, तो इसलिए अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जब तबीयत सही हो जाएगा तो फिर बाहर जाएंगे और भीगेंगे भी, मजा आएगा। तो गाना सुनाइए जो गाना गा रहे थे। ये मत सोचिए कि कैमरे पे भूल जाइए, अरे भूल जाइए, जब मैं किचन में थी तो एक गाने का आवाज आया मुझे, एक बार गाना गा, अरे भूल जाइए कि नहीं नहीं मैं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। अरे कौन सा गाना था वो? अच्छा ठीक है, बाद में सुनाएगा। वो चांद सी महबूबा होगी, वो वाला गाना गाया था। बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी, मेरे को आवाज आ रही थी, ठीक है। तो मैं आके मैं बोली एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगी फिर सुनूंगी। तो मैं आने के बाद फिर से सुने, बहुत अच्छा लगा। तो बोले भाई कैमरे के सामने ये नहीं सुना पा रहे, लेकिन सुनाएंगे, बोले सुनाएंगे तो पक्का सुनाएंगे। इनको गाना याद है, वो तो समझ गए होंगे, चांद सी महबूबा होगी, बहुत पुराना गाना है। कौन क्या गायक था, बहुत अच्छा गाना है। कोई भी हो, गाना अच्छा था। चलिए अब तो चाय तो हम पी रहे हैं, अभी शॉर्ट्स अपलोड करेंगे हम। तो शॉर्ट्स प्लीज जाके आप वॉच करें, उसको लाइक जरूर करें। लाइक्स नहीं कर रही है, मुझे दिख रहा है, पसंद नहीं आ रहा है क्या? तो कमेंट ही कर दीजिए कि मुझे ना पसंद आ रहा है। तो हम उसको फीडबैक के तरीके से ही लेगा, आपको पसंद नहीं आता हम उस पे करेक्ट करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बुरा कमेंट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप कमेंट करें ताकि हम सुधार कर पाए उस पे। अच्छा है तो भी कर दीजिए, और बुरा है तो भी करिए, तो और इम्पोर्टेंट है बुरा कमेंट करना, ताकि हमको समझ में आए कि क्या करना है। कुछ अच्छा लगे तो आप वो कमेंट करिए, कुछ बुरा लगे तो आप वो कमेंट करिए। तो वो चीज हम, क्योंकि हम न्यू है ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम सुधार कर पाएंगे इस चीज के लिए। ठीक है, और ये कोई प्लेटफॉर्म भी ठीक है, अच्छा बड़ा है, बट यही है कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम वही दिखा रहे हैं। वही दिखा रहे हैं, एक्चुअल में जो हम जीते हैं वही दिखा सकते हैं, और क्या हम एक्स्ट्रा फेक तो कुछ कर नहीं सकते, और करना भी नहीं है मुझे लाइफ में, फेक करना भी नहीं है, जो है रियल करके जाना है। हाँ सही बात है, दिखावटी जमाना क्या, कब तक टिकता है, जल्दी टिकता नहीं। वही है, तो जो है वैसे आप मुझे। चाय भी खत्म हो गई, चाय बनाई थी मैं, लेकिन होते 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 इतना हो गया। सही बात, टेस्ट अच्छा था। चलिए तो गाइस, यहाँ पे राइस को डब्बे में फिल करा जा रहा है। और इसके अंदर सामान जा चुका है, ये ऐसे सोफे के अंदर, किराना स्टोर का। तो ये ओरल वी का है, आप बताइए कौन सा ब्रश लीजिएगा, कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है? वैसे दोनों कलर अच्छा है, लेकिन मैं लाल वाला लूंगा। ओ माय गॉड, रेड 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 रोज। तो ये देखो, अपना चॉइस बता चुके हैं, रेड लेंगे, और मुझे ग्रीन। हाँ तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ग्रीन रिजेक्टेड, ये ग्रीन को रिजेक्ट कर दिया गया है इसके सामने, रेड के सामने। आ नहीं ठीक है, तो अच्छा ही कलर था, लेकिन कंपैरिजन में नहीं था। नहीं अच्छा, तो ये रेड वाला चूज किए, तो मैं ग्रीन यूज करूंगी। ब्रश अब एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा ब्रश यूज करना है। हां ओके, चलिए हो जाएगा, गलती में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा नहीं। तो चलिए, ये दो ब्रश हम दोनों का रहा। ये कैसा दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, खूबसूरत सा। हाँ दिखा दिए ब्रश में, तो कल से हम यही ब्रश यूज करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ वाटर बोतल फिल करने के लिए। गाइस यहाँ पे छोले के लिए ऑनियन, टोमेटो और चिली कट करके रखी हूँ, और ये पेस्ट है जिंजर गार्लिक, और ये वाइट चना है जिसका छोले बनाऊंगी। तो अभी मैं वाटर बोतल फिल कर लेती हूँ, तब तक हाँ
गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी 1 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो गाइस ये मैं छोले को इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि वो ग्रेवी जो होता है ना थिक थिक जैसे दिखता है ना थोड़ा स्टिकी टाइप का मार्केट में, तो इससे ऐसा ही ग्रेवी आता है, पतला नहीं आता है। इसीलिए इसमें बॉयल करे हुए छोले को भी हम ऐसा बना सकते हैं। गाइस हमारा लंच रेडी हो चुका है, राइस और गर्मा गर्म छोले, ये देखिए। दोपहर के बजे हैं 2:30 और बैठे हैं हम लंच करने के लिए। लंच में है टेस्टी छोले चावल, दिल्ली वाला दिल्ली वाला नहीं मुंबई वाला है। हाँ मुंबई वाला, तो छोले चावल बहुत टेस्टी। मुंबई वाला मतलब मेरे हाथ का बना है। मेरे हाथ का बहुत टेस्टी बनता है। चलिए खाते हैं। अब खाते हैं, भूख लगी। यस, आज कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसे ही खा रहे हैं। खाना अगर टेस्टी हो तो खाने का मजा कुछ आता है। ये बात सही है। जब हम लोग खाते हैं हमारा मन था कि आप लोगों के साथ खाएं। सही बात। और आप लोग क्या संडे को स्पेशल खाते हो वो भी हमें बताएं। ताकि मैं भी बनाऊंगी, हम भी खाएंगे वही, हम भी बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज का स्पेशल क्या था आपके घर में। कुछ पार्सल्स आए जिसका बॉक्सिंग हम करेंगे, जो मेरी वाइफ लेके आ रही है। ये रहा पहला पार्सल, उसका भी बस अभी दूसरे पास। स्क्रीन पे हम अभी बॉक्सिंग करेंगे। अभी स्क्रीन देख ही नहीं पा रहे हैं, वाइट हो गया। चलिए कोई नहीं। तो गाइस अब अनबॉक्सिंग करते हैं। वाइफ सारे पार्सल लेके आ चुकी है। करिए अनबॉक्सिंग करके। ओके, वैसे साइज देख के आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है।
वेट भी डालकर दिखाएंगे, वैसे चेक कर देते हैं। ठीक है, साइज अच्छा है। तो गाइस ये लाइट देखिए, ये मैं अमेज़ॉन से मंगवाई हूँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था, खूबसूरत सा। इसका ये रिमोट है छोटा सा, और ये प्लांट जो अभी मंगवाई हूँ, अभी आज का जो है ये प्लांट है। तो अभी और इसको डेकोरेट करना है सही तरीके से, मुझे डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो गाइस बज गए हैं 8 बजने वाला है, तो अब हम डिनर करेंगे। तो 10 बजे डिनर करेंगे बनाने के बाद। हाँ, कचौड़ी बनाऊंगी मैं, छोले। हाँ सही बात है, छोले छोले जब बने तो कचौड़ी के साथ खाने में और टेस्टी लगेगा। तो बस इतना ही, जो हम लोगों ने शॉर्ट्स डाला है तो प्लीज़ आप उसे जाके वॉच करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि हम और भी वैसा वीडियोज़ और पोस्ट करें। आप लोग लाइक करेंगे तभी तो हम पोस्ट और वीडियोज़ डालेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए। Thank you.